हेलो माय फ्रेंड्स, आज एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे कि किसान की आय को कैसे दोगुना कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्म हाउस विजिट किया है जिसका एक वीडियो इसमें मैं शो करने जा रहा हूँ। यहाँ आप ये ध्यान दें कि एक किसान ने पशुओं को रखने का जो घर है, जिसको हम एनिमल शेड कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से किया है और उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया है कि वो सारा का सारा जो स्लरी है या जो मटेरियल है, जो लिक्विड पोर्शन है, वो गोबर गैस प्लांट में जाता है और गोबर गैस प्लांट से जो गोबर है जो कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको उसने अपने फार्म में यूज़ किया है। तो आए देखें इस वीडियो को और समझें कि किस तरह से हम किसान की आय को दोगुना करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं मतलब दूध के लिए धंधा करने के लिए मैं ये जगह बना रहा हूँ। मैं किसान हूँ। हाँ। कौन से गांव से हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं विजय तेजरा नाम है मेरा और धरोला गांव से हूँ। अच्छा। और मैं कुछ करने के लिए क्या करना चाहता हूँ खेती से, जिससे कि विकास हो, पैसा भी आए और देश लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने ये मकान बनाया है। हाँ। उसके लिए इसमें सारी सुविधा रखी है, इसको साफ करने के लिए भी नाली बनाई इसमें नीचे वो आगे। हाँ, उस आगे। हाँ। और इसमें भी साफ करने के लिए नाली बनाई और जब ये इसको दौर को निलाने के लिए भी यहाँ पे नाली बनेगी। अभी सीसी होके इसमें नाली बन जाएगी और सारा पेशाब उस बायोगैस में चला जाएगा। बायोगैस कहाँ बनाया है आपने? बायोगैस भी बाहर बनाया है। पानी पीने के लिए ये यहाँ बीच में ये नाली रहेगी। हाँ, और ये नाली से यहाँ से यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ये यहाँ डोर निलाएंगे अपन कभी। हाँ। पानी पीने के लिए तो वो भी बाहर चला जाएगा। ये निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से की है आपने? ये निकालने के लिए अभी नाली बनेगी, सीसी होगा बीच में। हाँ। इस जगह का सीसी होगा, उसके बाद नाली बन जाएगी। अच्छा, ये नाली नाली यहाँ पे आ जाएगी अंदर पाइप लग के। ये जो ये पाइप लगा हुआ। हाँ। अच्छा, और वहाँ से पाइप लग के आ जाएगी तो अंदर से। अच्छा। और इस वो बाहर भी ऐसे ही रात के लिए अंदर, दिन के लिए बाहर। ये दिन का सिस्टम है पूरा। हाँ, इधर दोनों तरफ बन बन इधर भी आपके पांच भैंसे आ जाएंगी। हाँ। इधर भी पांच भैंसे आ जाएंगी। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ पर भी साफ सफाई के लिए आपने सारा पानी। हाँ, निकालने के लिए दे दिया। बारिश होगी जब ज्यादा तो पानी जल्दी से साफ हो जाएगा। ये वाला जो है। हाँ। अच्छा, ये पूरा निकासी का है। हाँ। इसमें चारा भर के जानवरों को डालने का रहेगा। अगर पानी बारिश भी हुई तो जल्दी से साफ हो जाएगी। जल्दी से साफ हो जाएगा, बढ़िया। और ये जो ये गोबर डालने के लिए इधर गड्ढा भी है, वो बायोगैस का निकलने के लिए, इससे जैविक खाद भी बन जाएगा। अच्छा, नहीं तो केंचुआ डाल दिया जाएगा इसमें। ये केंचुआ खाद के लिए आप तैयार कर रहे हैं उधर गोबर? हाँ, केंचुआ खाद। इसमें क्या है की बायोगैस का गोबर भी निकलेगा और मटेरियल भी डाल के। ये पूरा जो गड्ढा है। हाँ। इसमें जो गोबर आप डालेंगे वो केंचुआ खाद। हाँ, बनाने के लिए रहेगी। केंचुआ खाद, केंचुआ डाल दिया जाएगा तो केंचुआ खाद बन जाएगा वहाँ से। नहीं तो ये स्लरी सिस्टम है जहाँ पर पानी आएगा। और गोबर कहाँ डालेंगे आप? गोबर इस ठेल में। गोबर इसी ठेल में डालेंगे, जाएगा ये। हाँ। और घुल के जाएगा और उसके बाद जो गैस बनेगी और बाकी का निकल के बाहर। ये पाइप जो जा रहा है। हाँ, यहाँ पे दो टैंक बने जमीन के अंदर। जमीन के अंदर दो टैंक बने हुए। हाँ, जमीन के अंदर दो टैंक है। ये आप आइए इधर ऐसे, ये खाली है जी, तो आपको बता दिया जाएगा कि इधर से आइए। ये दो टैंक है, उधर से आइए आप। ये टैंक है तो अंदर ये गड्ढा दिख रहा है, इधर से आप और देख सकते हो ये। हाँ, ये गड्ढा है, ये टैंक है, ये टैंक है, ऐसे ही टैंक इधर है, दो टैंक है, ऐसे दो टैंक है। हाँ। उसमें मटेरियल ज्यादा है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी अपन ने इसको चालू किया। हाँ। और इसको अभी अपन अपना अभी गोबर बढ़ जाएगा तो इसको भी कर लेंगे ज्यादा। हाँ। अभी अपने को एक से हो रहा पूरा, एक से पूर्ति हो रही है। हाँ। अच्छा, एक्स्ट्रा ये अभी कमी हुई तो इसको चालू कर ले। इसका सिस्टम क्या है गोबर गैस प्लांट का? जैसे वहाँ स्लरी डली है तो स्लरी मिक्स होगी। हाँ, दोनों मिक्स होके वो पाइप में, वो पाइप है इसका इधर। हाँ। तो इसमें आ जाएगा, अपने को इसमें देना हो तो इस पाइप में डालो, उसमें देना तो दो पाइप बना रखे अपन ने उधर। अच्छा, दो अलग अलग सिस्टम का। तो इसमें वॉल्व होगा कहीं बीच में? वॉल्व
वॉल्व होगा कि अगर हमको अगर इस वाले गड्ढे में डालना है तो वहाँ से सिस्टम पाइप है ना, वो लाइन डाली है छड़, 110 mm की। अच्छा नीचे। अच्छा नहीं तो अगर हमने केवल इसी में डालना है तो वहाँ यहाँ यहाँ इसके लिए अपने दो सिस्टम बनाए। हाँ यहाँ दो, एक ढक्कन इधर है, हाँ एक ढक्कन इधर है। अच्छा तो इसमें जाना है, इसमें पहले वाले में जाना है तो ढक्कन खोल लेंगे, दूसरे वाले में जाना है तो ये ढक्कन खोल देंगे। अच्छा यहाँ ढक्कन लगाए अपन। अच्छा तो अब इसमें मिक्स होगा, इसमें मिक्स स्लरी इसमें बनेगी। हाँ? ये मिक्स होकर के पाइपलाइन से दो अलग अलग हमारे पास बायोगैस चैम्बर हैं। तो अब गैस कैसे निकलेगी, गैस के लिए पाइप? ये पाइप अंदर है ना इसका, वो चूल्हा वाला सारा। तो देखिए आप, ये यहाँ पर पाइप बना रखा है और पाइप से गैस निकल रही है। इसका चूल्हा सिस्टम देखते हैं। ये वहाँ से ये नली जो है ये डायरेक्ट बायोगैस प्लांट से आ रही है, और ये चूल्हा ये। तो इस समय हम जला के देख सकते हैं इसे। माचिस देना अभी अपने, गैस भी ठंडी है इसलिए बता जाएगी। अच्छा यानी कि 4-5 दिन लगेगा एक ही गर्म होने में गैस के। कोई बात नहीं, अभी 4-5 दिन की गैस है। जब गैस ज्यादा हो जाती है तो एक प्रेशर बनता है बायोगैस संयंत्र में, जिसके बाद में ही ये चूल्हा जल सकता है। तो इस प्रकार से हमने बायोगैस संयंत्र देखा। और यहाँ पे ऊपर क्या है कि एक और मंजिल, डबल मंजिल मकान बनाया जाएगा उसमें सारे। ये जो जगह है पूरी, ये जहाँ आप खड़े हैं इस समय, या नहीं ऊपर, ये ऊपर जहाँ पर भैंसे रखी होंगी उनके जस्ट ऊपर की तरफ जो छत है वहां पर एक पूरा ऑफिस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ऑफिस बनाया जाएगा, उसमें सारे मकान लगा दिए जाएंगे। तो आसपास से अपन पूरी इधर भी देख सकते हैं, मतलब आसपास की जितनी भी निगरानी करना हो, कांच लगा रहेगा, कांच लगे हुए ऑफिस रहेंगे जिससे आसानी से इधर से उधर हम देख सकते हैं। नहीं तो भैंसों के लिए जो थोड़ा हवा का आवागमन है उसके लिए खिड़की लगाई ना अपन, उसके लिए अलग से खिड़कियां हैं। और इधर का एरिया तो पूरा ओपन ही रखा है, और बाहर का एरिया पूरा कहाँ पर, इधर नीचे है ना, जैसे अपने को बेंच के लिए हवा के लिए ये रखा जी। तो ये जैसे नीचे है इधर का एरिया, तो हवा ज्यादा आएगी अपन उठा के लिए। ये नीचे का एरिया काफी सोच समझ के कंस्ट्रक्शन किया गया है कि उधर का एरिया बहुत नीचे रखा है, इधर का थोड़ा ऊपर रखा है, मतलब 10 फीट ऊपर, 10 फीट ऊपर लिया गया है, जिसके कारण हवा का आवागमन भैंसों के लिए भी आसानी से, वायु का प्रवाह भी हो सकेगा, क्योंकि इधर भी खुला है। बाहर से भी, बाहर भी यदि कूलर लगाने की इच्छा हो तो ये खिड़कियों से हम कूलर लगा सकते हैं। और अगर भविष्य में जैसे ऊपर छत बना करके ऑफिस डालेंगे तो यहाँ पर भी पंखे से आराम से भैंसों को हवा प्रदान की जाएगी। ये पूरा एरिया है जहाँ पर चारा भूसा डाल करके हम कटर वगैरह और चॉप कटर और भोजन की जो व्यवस्था है, चारे की जो व्यवस्था है वो यहाँ की जा सकेगी। और इसके अलावा ये जो पानी बारिश होगी तो सर निकलने के लिए सारा, ये बारिश का सारा पानी यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सिस्टम हमारे जितेंद्र जी तेजरा जो कि ग्राम धरोला से हैं, इन्होंने बनाया है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पशुपालक हैं इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे, और श्री जितेंद्र जी तेजरा जैसे ही अपना प्रोग्रेस करने के लिए, पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। मैंने अभी बताया कि बायोगैस संयंत्र का गैस का उपयोग, अब हम देखें कि उसकी जो खाद बनी उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। उसके उपयोग के लिए इन्होंने एक पूरा नेट हाउस तैयार कर रखा है, जहाँ आप देख सकते हैं ड्रिप सिस्टम है पूरा, साथ ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। आइए जाने श्री जितेंद्र जी तेजरा क्या बताते हैं। यहाँ पे हमने भिंडी, गिल्की, टिंडा, मिर्ची और सभी प्रकार की सब्जी खाने की घर खर्चे के लिए लगाई है। और मैंने सफ़ेद वाला फूल भी लगाया है, लाल वाला भी लगाया, गेंदा गुजराती गेंदा लगवाया है, और हमने भी तैयार किया था ये हजारी का जी।
ये आप देख सकते हैं अलग अलग गेंदों के पौधे हैं जो इन्होंने लगाए हैं, और इसमें वैरायटीज भी अलग अलग हैं। अभी श्री जितेंद्र जी की ये शुरुआत है जिसमें एक भविष्य में हमें प्रॉफिट नजर भी आ रहा है, तो भविष्य में इसको वापस से हम आकर के एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।